पीएम आवास योजना की नई लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना नाम। पीएम आवास योजना लिस्ट 2024। पीएम आवास योजना की लिस्ट में आप अपना नाम कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करके चेक कर सकते हैं। केवल जानकारी नहीं होने की वजह से अनेक कोई भी लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम चेक नहीं कर पाते हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर में हमें पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, और इस सवाल का जवाब उन्हें पीएम आवास योजना लिस्ट के माध्यम से पता चल सकता है। क्योंकि अगर इस लिस्ट में नाम रहता है तो ऐसे में लाभ जरूर दिया जाएगा, और नहीं रहेगा तो ऐसे में आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि समय समय पर अनेक पीएम आवास योजना लिस्ट जारी की जाती है, और हर बार नए लाभार्थियों का लिस्ट में नाम जारी किया जाता है। अगर आप इस योजना के लिए पात्र है व आपका नाम जारी नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी जब भी आगे प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट जारी की जाएगी तो उस लिस्ट में आपका नाम भी जारी किया जा सकता है। लिस्ट में नाम होने पर ही आप लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। किन लाभार्थियों का नाम पीएम आवास योजना लिस्ट में आता है? जिस प्रकार से भारत सरकार के अन्य योजना के लिए नियम व शर्तें बना रखी है, ठीक उसी प्रकार से इस योजना के लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। जो भी नागरिक उन नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं वह इस योजना के लिए पात्र होते हैं। केवल ऐसे नागरिकों का ही नाम लिस्ट में जारी किया जाता है। भारत सरकार ने कच्चे घरों में रहने वाले नागरिकों के लिए भी यह योजना शुरू की है, और ऐसे नागरिकों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। पीएम आवास योजना लिस्ट कैसे चेक करें? पीएम आवास योजना लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आधिकारिक वेबसाइट ओपन करनी होगी। अब मेन्यू बार में दिखने वाले विकल्प में से आवास सॉफ्ट वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उन सभी में से रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दिखने वाले कुछ सेक्शन में से सोशल ऑडियर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर पहुंचकर बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप अपने राज्य का चयन करना है, अपने जिले का चयन करना है, और अपने ब्लॉक और गांव का चयन करना है, और योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना का चयन करना है। फिर कैप्चर कोड को दर्ज कर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में लाभार्थी सूची खुलकर सामने आ जाएगी। इसमें मौजूद अनेक नाम में से आप अपना नाम चेक कर सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि सरकारी योजनाओं की सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। धन्यवाद।